लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड अंतर्गत भीठा गांव स्थित राजकीय विवृत मध्य विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को सूखा राहत का निर्धारित राशि नहीं देने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने हंगामा मचाते हुए विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजीव कुमार पर लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को मिलने वाली मध्याह्न भोजन की राशि में अनियमितता का आरोप लगाया है। इसे लेकर विद्यालय परिसर में भंडरा प्रखंड प्रमुख परियाव राव की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें प्रधानाध्यापक संजीव कुमार के कार्यशैली में सुधार लाने तथा विद्यालय में नामांकित 100% बच्चों को सरकार के प्रावधान के अनुरूप राशि दिलाने पर चर्चा हुई। ग्रामीणों ने बैठक में कहा कि राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भीठा में लॉकडाउन के दौरान विद्यालय में नामांकित कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन सूखा राहत के तहत सरकार से राशि भेजी गई थी, जिसे बच्चों को देना था, पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजीव कुमार ने सभी बच्चों को राशि का भुगतान नहीं कर अपनी मन मर्जी से कम राशि बांटकर सरकारी राशि का बंदरबार कर दिया। ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर यह भी आरोप लगाया कि विगत 6 अगस्त 2021 को विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव में सर्वसम्मति से संजय उरांव को अध्यक्ष चुना गया, बावजूद अब तक विद्यालय प्रबंधन समिति के पुराने अध्यक्ष जयंत कुमार के हस्ताक्षर से ही गलत तरीके से बैंक से राशि की निकासी कराई जा रही है। इधर भंडरा के प्रखंड प्रमुख परियाव राव व मुखिया टेले उरांव ने इस मामला की गहनता से जांच कर सभी नामांकित बच्चों को सरकार द्वारा भेजी गई पूरी राशि दिलाई की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पत्राचार कर जांच का अनुरोध करते हुए सभी विद्यार्थियों को राशि दिलाने की मांग करेंगे। विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संजय उरांव ने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजीव कुमार के कार्यों में अनियमितता बरतने की शिकायत उपायुक्त डा वाघमारे प्रसाद कृष्ण और मंत्री डा रामेश्वर उरांव के साथ शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से करने की बात कही है। इस मामले में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजीव कुमार का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा आरोप बेबुनियाद है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष संजय उरांव नियम के विरुद्ध कार्य करने के लिए परेशान करते हैं। ऐसे में संजय उरांव के कहे अनुसार कार्य नहीं करने पर मामला को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकांश बच्चों के खाते में सूखा राहत की राशि स्थानांतरित किया गया है, ऐसे में अनियमितता की बात कहीं से सही नहीं है। फंस रहा इसलिए सर कि देखिए मतलब ये पैसा जो आया है ना, अक्टूबर से लेकर फरवरी में हमारा विद्यालय खुल गया। फरवरी में विद्यालय खुल गया तो 360 दिन का मतलब बनता है सर, उसमें 134 दिन में 62 बच्चा का जो है, जो हम आपको बताए भी कि 62 बच्चा को ही हम 1789 दे सकते हैं 125 में, बाकी बच्चे के मतलब खाता में गया है। और यहाँ तो संपूर्ण बच्चे की देने की बात आ रही है, तो हमारे पास मतलब 183 बच्चे को ही हम पैसा दे सकते हैं, बाकी 183 50 बच्चा उधर और ये 17 बच्चा बने 67 बच्चा के लिए कोई राशि हमारे विद्यालय में नहीं आई है, तो आखिर उस बच्चे को हम कैसे देंगे। 67 बच्चे के लिए कोई भी राशि हमारे विद्यालय में नहीं आई है तो राशि कैसे दिया जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं जिस बच्चे के खाता में पैसा गया है उस व्यक्ति का पैसा हम यहाँ कैसे पुरा सकते हैं। वो तो मतलब खाता में गया है, गार्जियन उसको मतलब भी मांग रहे हैं, हमसे नगद मांग रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि नहीं विद्यालय से आप पूरा कीजिए, तो वो आखिर किस कैसे पूरा होगा। देखिए सर सुना दे हमारे एक सेकेंड जिसे मतलब मतलब जो हम राशि भुगतान किए हैं वो गलत कैसे नहीं है उसके बारे में सुना जाए, समझे कि नहीं। 1300 रुपये की बात आई तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में, समझ गया, अक्टूबर और नवंबर के बीच में 50 दिन का आया था अति सूखा राशन रहन वितरण करने के लिए कि अगर आपके पास है तो वो वितरण कर सकते हैं। देख तो उस 50 दिन का सूखा राशन वितरण हम किए थे, 250 रुपया उसका काटा जा रहा है मतलब नीचे में, अच्छा 3 रुपया 72 पैसा ऊपर 372 रुपया ऊपर में काटा जा रहा है, और उस भी अगर मतलब इनको हम कहे थे कि अगर वैसा दिक्कत होता है तो मतलब उस राशि को भी भुगतान कर दिया जाएगा। मामला यहाँ इसलिए फंसा जा रहा है सर। इसमें पैसा बांटने के जब आए तो हम सर से पूछे कि 1 से 5 तक पैसा कितना देना है सर, तो हम जान रहे थे कि 1 से 5 के बच्चों को 1700 कुछ मिलना है और 6 से 8 तक को 2600 कुछ,
लेकिन जब बांटने के लिए हम सर से ऊपर गए क्लास, तो वहाँ आ रहा है कि नहीं पैसा इतना देना, तो हम रुक गए वहाँ पैसा बांटने का अथी लेके। जब बटा रहा था आप साथ में थे? जी हाँ साथ में थे। अपने हाथ से पैसा बांटे? पैसा तीन आदमी हम लोग बांटे थे, सर भी थे, लेकिन हम बांटने से पहले बोले सर इतना पैसा क्यों बांटा जा रहा है, जबकि बच्चा सबको इतना पैसा मिलना चाहिए। तो वो गुना भाग लन फंद करने लगे, तो हम मन में कितना गुना किया अपना निकाले का काट छाट फट करके बोला कि मतलब इस पर बच्चा को इतना ही 875 105 के मिलेगा और 6 से उधर को 1300 मिलेगा। तो हम सोचे मन में कि चलिए बेटा कुछ पैसा तो बटा जाए बच्चों को, उसके बाद तो जो होना रहेगा पर्दाफाश खुलबे करेगा, पहले अगर कुछ ये होगा तो ये बांटना 6 लोग को शायद मिले ना मिले बोल के हम कुछ पैसा जो मिल रहा है उसको आँख मूंद के हम कहे कुछ बांट लीजिए। उसके बाद सवाल बाद में तो खड़ा हो गए ही मन में, हम सोचे थे जो कि आज ये मामला चल रहा है। इतना जो विवाद हो रहा है, विवाद का कारण क्या? प्रबंधन आप समिति में हम हैं जरूर, लेकिन हम कहने का मतलब हमारा साल भर से खाता नहीं खुला है सर, पुराना अध्यक्ष उसका नाम से खाता खुला है, वही निकासी भी कर रहा है, बस हम कहने के लिए मेरा कहीं पर कुछ नहीं है। कितना दिन से आप यहाँ प्रबंधन में? हम हैं 6/8/2021 है सर। 2021 लगभग खाता ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? सर को बोल के थक गए, पूछे सामने यहाँ पर प्रधान अध्यापक जी हैं, उनका काम पुराना अध्यक्ष चल ही रहा है, हमको नज़रअंदाज करके अपना ये चल रहे हैं। हम कहा थक गए, अगर हम बैंक में जाते भी हैं हम कहेंगे कि हम भीठा स्कूल के हम अध्यक्ष हैं, तो वहाँ बैंक मैनेजर मेरा बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर साथ में रहेंगे हेडमास्टर और पुराना अध्यक्ष को लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो काम बन जाता है, लेकिन अकेले मेरा कहने से बैंक मान सकेगा क्या सर? यहाँ से एक आवेदन जाता है, वो आवेदन अभी तक गया है या नहीं गया बैंक में? बैंक में नहीं गया सर, मेरा शायद हमारे नाम का तो कुछ हमको लेके जेबे नहीं किए हैं, आप बाकी बताएंगे प्रधान अध्यापक जी। क्या सर? क्या नाम है आपका? संजय राम सर, संजय राम। तुमको पैसा मिला बाबू? नहीं। काहे नहीं मिला? सर लोग क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। स्कूल आई थी पैसा बटा रहा था उस दिन? हाँ। तो एक रुपया भी तुमको नहीं मिला है? नहीं। चलो क्या क्लास में पढ़ती हो? 3। चलो क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी कुमारी। चलो ठीक है, क्या क्लास में पढ़ते हो बाबू? 8। 8 क्लास में? 8 के बाद तो 9th में होगा, अभी तो एग्जाम लिखी होगी तुम? नहीं लिखे हैं। मतलब अगर 7 से 8 में गई है, 7 क्लास का तुम लोग को पैसा मिला या नहीं मिला? नहीं कुछ भी। 8 क्लास में मिला? 8 क्लास में मिला। कितना मिला? 1300। अब मिलना कितना था तुम लोग को? 2600। अच्छा, तो क्या आधा पैसा क्यों मिला सर? सब दिए 1300। क्या बोला गया सर से? पूछी नहीं कि सर इतना पैसा क्यों दिया गया? बोले कि 1300 मिला। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।